हमारे पहाड़ों में श्राद्धों को श्राद्ध कहा जाता है, तो इन्हीं श्राद्धों पर मैंने कुछ लिखा है। अच्छा सुनो मेरे शहरों में रहने वाले पहाड़ियों, तुमको पता है ना श्राद्ध चल रहे हैं, तो कुछ दिन लासन प्याज से दूर रहना। और हाँ, मन कितना भी हो बैगन की सब्जी मत खा लेना, बाहर के खाने से तो वैसे भी बचा करो, कच्चा पक्का जैसा बने घर में ही खाया करो। अच्छा पितृपक्ष में एक दिया पितरों के नाम का जरूर जला देना, मंदिर बनाया है ना शहर के कमरे में, हाथ जोड़ के पितरों को प्रणाम कर लेना, एक रोटी का गैग्रास निकाल लेना गाय को खिला लेना, और छत में एक रोटी कौवे के लिए भी रख देना। घर से दूर रहने पर माना मजबूरियां हैं कुछ चीजों की, लेकिन तुम जितना हो सके अपनी जड़ों से जुड़े रहना। गांव में थे तो इन दिनों पैणा बांटने जाते थे, चार पूरी उसमें बड़ी अनार के कुछ दाने ककड़ी का रायता साथ में होता था, जिसके वहां जाओ वो अपना पैणा पकड़ा देता था। पूड़ियां जहां अच्छी लगी हम रास्ते में ही खा जाते थे, जहां लगा कि थोड़ा कसर है हम घर ले जाते थे। बारिश जब होती थी सरादों के टाइम में, टीचा कहती थी पितर खुश हो रहे आज पहला कह दो उनको। इन सरादों के टाइम में तो बस इतना ही कहना है, हमारे पितर खुश रहें और उनका आशीर्वाद हम पर बना रहे।